Hey guys, what's up? Namaskar, kem chho, adab, sat sri akal, vanakkam. Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त. साथ में भाइयों और पीछे यहाँ पे बैठे हुए हैं तीन लोग, तीनों महारथी. तो गाइज, मैं आपको सबसे खास बात आज के ब्लॉग के बताऊँ ना, तो हम पूरी गाड़ी में ना प्लास्टिक लगा हुआ था सीट पे. भैया बोला कि मेरे को नई सीट पे बैठना है, तो अपनी सीट का कवर नहीं उतारा, बाकी सारी सीट का कवर उतार उतार के हमने पीछे रख दिया. और मेरे को लगता है शायद पूजा फेंक भी दिया उसको, है ना? नहीं है, दबा दिया उसी में टायर के पास. नहीं है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मैसूर पैलेस. बहुत ही शानदार लोकेशन है, लेकिन दुख की बात ये है कि वो बंद होने के बाद जा रहा है. तो जैसा भी है, आप लोगों को दिखाएंगे बंद मैसूर पैलेस आपको दिखाएंगे. अंदर से तो जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई. टिकट विल बी महंगा, देन वी विल नॉट गो, बिकॉज आधे घंटे के लिए जा करके टाइम वेस्ट करना कोई उचित बात नहीं है ना, है ना भाई? तो जाएंगे तो अच्छे से थोड़ा घूमने फिरने को मिलना चाहिए. चलो आप लोग बने रहो, एंजॉय करो. कर्नाटका की सड़कों की बात क्या बोल रहा है यार, सौ में प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है. कर्नाटका की सड़क जो है ना, वो बहुत शानदार है. गली में भी जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा रोड मिल जा रहा है, डेवलपमेंट है. यस, तो भैया कैसा लग रहा है? सब बढ़िया है. रूम में तो बोल रहा था बोरिंग लग रहा है. बाहर निकल के अच्छा लगता है. चाय नहीं पिलाओगे ना तब तक वो ऐसे ही बोलेगा. इनको देखिए, ये जो है ना, इनको एसी का हवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. एसी के हवा के सामने ही बैठेंगी जब बैठेंगी. कुकड़ी रुको, अभी तेज करता हूँ. तो अभी हम लोग आए हुए हैं वैक्स म्यूजियम. ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति है, जो कि मोम से बनी हुई है वैक्स. यहाँ पर महाराणा प्रताप है हमारे, और इनका घोड़ा चेतक, दोनों आप देख सकते हैं वैक्स का बना हुआ है. कितना हट्टा कट्टा घोड़ा होता था उनका. और इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे श्रीकांत नरसिम्हा राजा, और ये मैसूर के राजा थे, और ये हैं बसावना, जो कि सोशल रिफॉर्मर थे. और ऐसे ही करते करते हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ गुरु नानक जी है. जय वाहेगुरु जी की खालसा. और ये भी मोम से बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग. इसके बाद अरे दलाई लामा जी हैं. मोनालिसा भी रखी हुई है. वाह, बहुत सुंदर बना हुआ है. और दलाई लामा जी की भी जो फोटो बनी हुई है, वो भी एकदम सेम मोनालिसा के पास फोटो. तिब्बत मोनालिसा के साथ ही लोग फोटो खिंचाएंगे. रामदेव बाबा का भी है. रामदेव बाबा का भी है. यहाँ पे आप देख सकते हो योग ऋषि. यहाँ पे है रविंद्र राघवेंद्र तीर्थ, और ये है सत्य साई बाबा. वाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है. कल्पना चावला, गांधी जी, मेरे फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम, इनके चेहरे पे ऐसे था. 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कल्पना चावला ऐसी थी. तो मनीषा के फेवरेट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, यही है जो फिजिक्स में बहुत अहम योगदान दिए हुए हैं. E=mc² इनका फॉर्मूला. पूछो इनसे कुछ कि ये फार्मूला क्यों बनाए थे, बहुत पढ़ना पड़ा था 12th में. सर एम विश्वेश्वरैया, बहुत ही भी महानता इनकी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत लंबी मूर्ति बनी हुई है. छुटकी को आशीर्वाद इनका मिलेगा और बहुत आगे बढ़ोगी, तुम भी मिसाइल मैन बनोगी इनके जैसे. चिंकी दीदी इतना ध्यान से क्या देख रहे हो, पेंटिंग पेंट भी देखो ना, एकदम चेहरा का कैसे किया हुआ है. तो गाइस अभी सब लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे. अरे तो मूवी में आते हैं ना,
मोहनलाल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति। अरे ये वाला चार्लीस रजनीकांत है ना, रास्कला माइंड इट, इनका डायलॉग बहुत फेमस है। ओ भाई द ग्रेट खली भी है, अजय देवगन तो सच में अजय देवगन जैसा लग रहा है। एडोल्फ हिटलर, हिटलर के बगल में अजय देवगन तो हिटलर को ठीक कर देंगे। दया, दरवाजा तोड़ दो। जॉन सीना से लंबे हो गए हैं। क्रेट खाली सब वैक्स का गाइस, सारा मोम का आप देख सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी, ये तो धोनी जैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये मेरे को धोनी जैसा नहीं लगे। इनकी मूर्ति में अभी थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, क्या पता पहले की फ़ोटो हो। भाई आप लोग बताना क्या ये आपको धोनी लग रहा है। धोनी का तो धोनी जैसा नहीं लग रहा फोटो, धोनी धोनी नहीं लग रहा। नहीं थोड़ा चेंज कर दिया है इसमें, धोनी नहीं है भैया, धोनी का चेंज किया फेस। हाँ मेसी ऐसा जैसा उधर भी है। चलो मनीषा, तो गाइस अभी सब लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अरे तो मूवी में आते ना मोहनलाल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति। अरे ये वाला चार्लीस रजनीकांत है ना, रास्कला माइंड इट, इनका डायलॉग बहुत फेमस है। ओ भाई द ग्रेट खली भी है, अजय देवगन तो सच में अजय देवगन जैसा लग रहा है। एडोल्फ हिटलर, हिटलर के बगल में अजय देवगन तो हिटलर को ठीक कर देंगे। दया, दरवाजा तोड़ दो। जॉन सीना से लंबे हो गए हैं। क्रेट खली सब वैक्स का गाइस, सारा मोम का आप देख सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी, ये तो धोनी जैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये मेरे को धोनी जैसा नहीं लगे। इनकी मूर्ति में अभी थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, क्या पता पहले की फ़ोटो हो। भाई आप लोग बताना क्या ये आपको धोनी लग रहा है। अरे धोनी का तो धोनी जैसा नहीं लग रहा फोटो, धोनी धोनी नहीं लग रहा। नहीं थोड़ा चेंज कर दिया है इसमें, धोनी नहीं है भैया, ये धोनी का चेंज किया फेस का। हाँ मेसी ऐसा जैसा उधर भी है। चलो मनीषा, तो लोग उधर ही रह गया अभी। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और यहाँ स्पाइडरमैन, सारा आपका वैक्स का बना हुआ है। हे गाइस, तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं मैसूर पैलेस, जो कि मैसूर आए और मैसूर पैलेस ना आए तो फिर मैसूर आना ही आपका सफल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैसूर पैलेस में मैं आ चुका हूँ लेज़र शो देखने, क्योंकि दिन का टाइम जो हम था ना वो धूप की वजह से कोई निकला नहीं, तो हम लोगों ने मिस कर दिया। लेकिन रात का टाइम हम लोग कहीं से भी मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ भी है मैसूर पैलेस ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। अभी रात को चूँकि लाइट, अभी लेज़र शो चलने वाला है इसलिए यहाँ अंधेरा किया गया, और इतना सुंदर है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसके बाद से यहाँ पर अभी लेज़र शो वगैरह होगा तो आपको सब दिखेगा। तो अभी तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं। यहाँ अंधेरा, एंड में दिखेगा एंड में। और यहाँ पे अभी लेजर शो चल रहा है कहीं पे। अच्छा वो देखो, यहाँ लाइट जल रही है।
समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे चिंकी दी बाबू वाला रील बनाते हुए, बाकी हम लोग अभी हम लोग ऐसी जगह आए हैं घूमने। सब लोग अंधेरे में आया घूमने। कौन सा मैसूर पहले। तो गाइस फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल गए मैसूर पैलेस से, और यहाँ पे बनिया अभी सो रही है। मुझे दी कैसा लगा आपको मैसूर पैलेस? अच्छा लगा, दिन में ज़्यादा अच्छा, दिन में ज़्यादा सब कुछ दिख पाता, लेकिन रात में लाइट वाला इसका भी कल लगी है। दिन में भी अच्छा लगता है, रात में भी, लेकिन जो दिन में देखते हम लोग भी दिखते हैं ना, रात में पैलेस पर लेकिन अगर हम लोग दिन में जाते तो रात वाला लाइट वाला नहीं दिख पाता। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, लाइटिंग वगैरह अच्छी थी, बहुत अच्छी। राजमहल की रानी दिखी तो नहीं पर बहुत खूबसूरत थी। हाँ रानी तो खूबसूरत ही होता होगा, इतना सारा कुछ पहनता होगा, है ना। अभी आ गया है टोल टैक्स, तो वो भी नहीं था, एसी पंखा भी नहीं था उस टाइम। नहीं होगा वो लोग पंखा, वो आता है ऐसे ऐसे वाला होगा। चल गया पीछे गया।